respect. It was evident that the press was thrilled by and I was their grandson, very grateful and very proud. As you gentlemen, today, 26 years later, we know I'm not going to Amar. This time it's in Noida. And it's a celebration and vindication. Celebration and vindication of the fact Ramnaji's principles endure. It's a celebration and vindication of the fact that Ramnaji will still endure. You are that you were only 9 years old when he was declared is yet another testament that 32 years after Ramnaji has passed, we remember him for fighting the good fight. It's a testament to the fact that you didn't have to live through the emergency to realize what the nation went through, how important it was that we triumphed, and we had to triumph through that phase. Your presence today, as one of the democratic world's most popular leaders, is a testament to the fact that free speech and free press is fundamental to our society, and it is still as dear to our citizens as it was 48 years ago. It's definitely politics is will ensure that we will never again have an emergency. It's for all these reasons that presence here means a lot to me, to my father, to the entire Express family, and I'm certain to every journalist, politician, and citizen, not just in your state, but the country. So, half of my father, Vivek Goenka. In the heart, which is nearly the new hub for all media around India. Thank you to Main Road after our foundation. Thank you to all at Noida Authority, Rituji, Manishji, Lakshmiji, for all their help. And my gratitude also to your office, to the UP, to the CMO. Avniji, thank you so much, Mr. Verma. Aap log ke bina none of this would have happened. So I'm very, very grateful to all of you. Thank you so much. And my gratitude also to your office, to the UP, to the CMO. Avneesh ji, thank you so much. Aapke help ke liye. Mr. Verma, aap log ke bina none of this would have happened. So I'm very, very grateful to all of you. Thank you so much. Yogi ji, please. उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता आनंदी जी, इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अनंत गोयनका जी, एडिटर इन चीफ श्री राजकमल झा जी, एडिटर श्री उन्नीराज राजन शंकर जी, जयप्रकाश नारायण, एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री पी वैद्यनाथन नायर जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर जनसत्ता श्री मुकेश भारद्वाज जी, सुश्री वंदिता मिश्रा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे श्यवनी स्वस्थी जी, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत की दृष्टि से 48 वर्ष पूर्व जिस लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास हुआ था, उस समय अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सब कुछ दांव पे लगा करके न केवल मीडिया की स्वतंत्रता के लिए बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस महापुरुष ने मीडिया जगत से सर्वाधिक योगदान दिया था, वह नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का। और आज मेरे लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली नोएडा में स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर इस मार्ग का शुभारंभ करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को और उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका यह मीडिया जगत का एक चमकता हुआ ध्रुव तारा है। जब भी मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात होगी तो स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का नाम सदैव बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाएगा। मीडिया में उनकी पहुंच 1936 से होती है, जब इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना सरदेव बापू की प्रेरणा से उन्होंने प्रारंभ की। लेकिन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, बिहार के सुदूर गांव में जन्म लेकर के और देश की आजादी की उस लड़ाई में प्रखर रूप से एक मुखर योद्धा के रूप में कार्य करना, और कार्य करने के साथ साथ फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना करके मीडिया के माध्यम से आम जन के स्वर को एक नई ऊंचाई देने का कार्य उस कालखंड में उन्होंने किया। इसके साथ ही न केवल उन्होंने मीडिया के माध्यम से मीडिया की स्वतंत्रता के लिए बल्कि भारत के लोकतंत्र की दृष्टि से चुनाव लड़कर के भी देश के संसद में जाकर के इस आवाज को और मुखरता प्रदान की। मेरे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे थे, उन षड्यंत्रों को रोकने के लिए जो आवाज मुखर हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका थी। और उत्तर प्रदेश की इस भूमिका की दृष्टि से 25 जून 1975 का दिन लोकतांत्रिक भारत के लिए कालाध्याय के रूप में जाना जाता है। लेकिन उस दौरान भारत ने उन लोगों के संघर्षों को, उनके त्याग को देखा है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके लोकतंत्र को बचाने के लिए और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाकर के लड़ने का एक जज्बा उस दौरान देखने को मिला था। मेरे लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के द्वारा किए गए योगदान तो हम सबके लिए प्रेरणादायी है ही, लेकिन आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गोयनका परिवार लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान किया,
मीडिया को एक स्वच्छ और स्वच्छतापूर्ण मीडिया की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए, वह मानक उन्होंने अपने स्थापना काल से पूरी मजबूती के साथ गढ़ने के कार्य किए। साथ साथ जिस राष्ट्रवादी मिशन के साथ हम सब जुड़े हैं, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का भी उस मिशन के साथ जुड़ाव रहा, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही। और साथ साथ ये भी कि अभी आपने देखा होगा कि गोरखपुर में गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। गीता प्रेस स्वर्गीय जयदयाल गोयनका जी ने 1923 में अपने कुछ सहयोगियों के साथ गोरखपुर में स्थापित की थी और गीता के प्रकाशन को मासिक पत्रिका कल्याण के माध्यम से, विभिन्न धार्मिक साहित्यों के माध्यम से, भारत की जो विरासत से जुड़ी हुई वैदिक साहित्य है, गीता है, रामायण है और अन्य साहित्य को बेहतरीन संपादकीय कार्यक्रमों के माध्यम से और कल्याण के माध्यम से परिवारों को जोड़ने, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आदि संपादक के रूप में जो जाते हैं सरदेव भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गोयनका परिवार से सरदेव भाई जी का जो संबंध है वह बहुत जगजाहिर है और इस दिश से मेरे लिए आज का दिन अत्यंत भावनात्मक भी है, लोकतंत्र को बचाने की दिश से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इसको एक महज संजोग नहीं मानता हूं। ये कोई ना कोई ईश्वरीय प्रेरणा थी कि 25 जून की तिथि को ही इस मार्ग का नामकरण स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर होना है। यह इतने वर्षों के बाद, आप अनुमान करिए कि 48 वर्षों के बाद इस प्रकार की स्थिति इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज हम सबको देखने को मिली है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज यहां पर इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं कि मीडिया की लोकतंत्र के चतुर्थ वही के रूप में जो उसकी भूमिका है, चतुर्थ स्तंभ के रूप में जो उसकी भूमिका है, उस भूमिका के साथ हम सबको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर यहाँ के प्रशासन को, अथॉरिटी को और इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पे महानुभाव हैं उन सबको इस कार्य के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Amreen, that Hanuman, that portrait. Only give the Ramnaji's portrait. Yeah. I'm going to try to take him back to this if I can. योगी जी, एक फोटो मेरे बेटे के साथ ही भाई, कम आओ भाई, चौथी पीढ़ी Yeah, there you go.
Mom, please, sorry. सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता आनंदी जी, इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अनंत गोयनका जी, एडिटर इन चीफ श्री राजकमल झा जी, एडिटर श्री उन्नीराज राजन शंकर जी, जयप्रकाश नारायण, एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री पी वैद्यनाथन नायर जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर जनसत्ता श्री मुकेश भारद्वाज जी, सुश्री वंदिता मिश्रा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे श्यवनी सवस्थी जी, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत की दृष्टि से 48 वर्ष पूर्व जिस लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास हुआ था, उस समय अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सब कुछ दांव पे लगा करके न केवल मीडिया की स्वतंत्रता के लिए बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस महापुरुष ने मीडिया जगत से सर्वाधिक योगदान दिया था, वो नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का। और आज मेरे लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है
कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली नोएडा में स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर इस मार्ग का शुभारंभ करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को और उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका यह मीडिया जगत का एक चमकता हुआ ध्रुव तारा है। जब भी मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात होगी तो स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का नाम सदैव बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाएगा। मीडिया में उनकी पहुंच 1936 से होती है, जब इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना सरदेव बापू की प्रेरणा से उन्होंने प्रारंभ की। लेकिन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, बिहार के सुदूर गांव में जन्म लेकर के और देश की आजादी की उस लड़ाई में प्रखर रूप से एक मुखर योद्धा के रूप में कार्य करना, और कार्य करने के साथ साथ फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना करके मीडिया के माध्यम से आम जन के स्वर को एक नई ऊंचाई देने का कार्य उस कालखंड में उन्होंने किया। इसके साथ ही न केवल उन्होंने मीडिया के माध्यम से मीडिया की स्वतंत्रता के लिए, बल्कि भारत के लोकतंत्र की दिशा से चुनाव लड़कर के भी देश के संसद में जाकर के इस आवाज को और मुखरता प्रदान की। मेरे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के खिलाफ जो खड्यंत्र हो रहे थे, उन खड्यंत्रों को रोकने के लिए जो आवाज मुखर हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका थी। और उत्तर प्रदेश की इस भूमिका की दृष्टि से 25 जून 1975 का दिन लोकतांत्रिक भारत के लिए कालाध्याय के रूप में जाना जाता है। लेकिन उस दौरान भारत ने उन लोगों के संघर्षों को, उनके त्याग को देखा है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके लोकतंत्र को बचाने के लिए और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाकर के लड़ने का एक जज्बा उस दौरान देखने को मिला था। मेरे लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के द्वारा किए गए योगदान तो हम सबके लिए प्रेरणादायी है ही, लेकिन आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गोयनका परिवार लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान किया, मीडिया को एक स्वच्छ और सुचितापूर्ण मीडिया की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए वह मानक उन्होंने अपनी स्थापना काल से पूरी मजबूती के साथ गढ़ने के कार्य किए। साथ साथ जिस राष्ट्रवादी मिशन के साथ हम सब जुड़े हैं, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का भी उस मिशन के साथ जुड़ाव रहा, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही। और साथ साथ ये भी कि अभी आपने देखा होगा कि गोरखपुर में गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। गीता प्रेस स्वर्गीय जयदयाल गोयनका जी ने 1923 में अपने कुछ सहयोगियों के साथ गोरखपुर में स्थापित की थी।
और गीता के प्रकाशन को मासिक पत्रिका कल्याण के माध्यम से, विभिन्न धार्मिक साहित्यों के माध्यम से, भारत की जो विरासत से जुड़ी हुई वैदिक साहित्य है, गीता है, रामायण है और अन्य साहित्य को बेहतरीन संपादकीय कार्यक्रमों के माध्यम से और कल्याण के माध्यम से परिवारों को जोड़ने, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आदि संपादक के रूप में जो जाते हैं सरदेव भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गोयनका परिवार से सरदेव भाई जी का जो संबंध है वह बहुत जगजाहिर है और इस दृश्य मेरे लिए आज का दिन अत्यंत भावनात्मक भी है, लोकतंत्र को बचाने के दृश्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इसको एक महज संजोग नहीं मानता हूं। यह कोई ना कोई ईश्वरीय प्रेरणा थी कि 25 जून की तिथि को ही इस मार्ग का नामकरण स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर होना है। यह इतने वर्षों के बाद, आप अनुमान करिए कि 48 वर्षों के बाद इस प्रकार की स्थिति इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज हम सबको देखने को मिली है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को, उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज यहां पर इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं कि मीडिया की, लोकतंत्र के चतुर्थ पहिए के रूप में जो उसकी भूमिका है, चतुर्थ स्तंभ के रूप में जो उसकी भूमिका है, उस भूमिका के साथ हम सबको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर यहां के प्रशासन को, अथॉरिटी को, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता आनंदी जी, इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अनंत गोयनका जी, एडिटर इन चीफ श्री राजकमल झा जी, एडिटर श्री उन्नीराज राजन शंकर जी, जयप्रकाश नारायण, एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री पी वैद्यनाथन नायर जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर जनसत्ता श्री मुकेश भारद्वाज जी, सुश्री वंदिता मिश्रा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं श्रीवनी सवस्थी जी, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत की दृष्टि से 48 वर्ष पूर्व जिस लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास हुआ था, उस समय अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सब कुछ दांव पे लगा करके न केवल मीडिया की स्वतंत्रता के लिए बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस महापुरुष ने मीडिया जगत से सर्वाधिक योगदान दिया था वह नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का। और आज मेरे लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली नोएडा में स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर इस मार्ग का शुभारंभ करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उन सभी लोकतांत्रिक लोकतंत्र सेनानियों को
जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया। स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को और उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका यह मीडिया जगत का एक चमकता हुआ ध्रुव तारा है। जब भी मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात होगी तो स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का नाम सदैव बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाएगा। मीडिया में उनकी पहुंच 1936 से होती है, जब इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना सरदेव बाबूजी की बापू की प्रेरणा से उन्होंने प्रारंभ की। लेकिन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, बिहार के सुदूर गांव में जन्म लेकर के और देश की आजादी की उस लड़ाई में प्रखर रूप से एक मुखर योद्धा के रूप में कार्य करना, और कार्य करने के साथ साथ फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से इंडियन एक्सप्रेस के स्थापना करके मीडिया के माध्यम से आम जन के स्वर को एक नई ऊंचाई देने का कार्य उस कालखंड में उन्होंने किया। इसके साथ ही न केवल उन्होंने मीडिया के माध्यम से मीडिया की स्वतंत्रता के लिए, बल्कि भारत के लोकतंत्र की दिशा से चुनाव लड़कर के भी देश के संसद में जाकर के इस आवाज को और मुखरता प्रदान की। मेरे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे थे, उन षड्यंत्रों को रोकने के लिए जो आवाज मुखर हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका थी। और उत्तर प्रदेश की इस भूमिका की दृष्टि से 25 जून 1975 का दिन लोकतांत्रिक भारत के लिए कालाध्याय के रूप में जाना जाता है। लेकिन उस दौरान भारत ने उन लोगों के संघर्षों को, उनके त्याग को देखा है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके लोकतंत्र को बचाने के लिए और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाकर के लड़ने का एक जज्बा उस दौरान देखने को मिला था। मेरे लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के द्वारा किए गए योगदान तो हम सबके लिए प्रेरणादायी है ही, लेकिन आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गोयनका परिवार लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान किया, मीडिया को जो है ना उसी के लिए कार्यक्रम आपको पार्लियामेंट की बात से आगे। अरे नहीं, मैं तो हमेशा ही रहता हूँ। श्यामलाल जी बहुत अच्छा उत्तर है। हाँ भैया, कौन है? ये आपका डिजिटल का? हाँ, पूरा वगैरह है सब यही बनता है।
राहुल जी हमारे दिल्ली देखा एक स्वच्छ और स्वच्छतापूर्ण मीडिया की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए वह मानक उन्होंने अपनी स्थापना काल से पूरी मजबूती के साथ गढ़ने के कार्य किए। साथ साथ जिस राष्ट्रवादी मिशन के साथ हम सब जुड़े हैं स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का भी उस मिशन के साथ जुड़ाव रहा, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही। और साथ साथ ये भी कि अभी आपने देखा होगा कि गोरखपुर में गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। गीता प्रेस स्वर्गीय जयदयाल गोयनका जी ने 1923 में अपने कुछ सहयोगियों के साथ गोरखपुर में स्थापित की थी और गीता के प्रकाशन को मासिक पत्रिका कल्याण के माध्यम से, विभिन्न धार्मिक साहित्यों के माध्यम से, भारत की जो विरासत से जुड़ी हुई वैदिक साहित्य है, गीता है, रामायण है और अन्य साहित्य को बेहतरीन संपादकीय कार्यक्रमों के माध्यम से और कल्याण के माध्यम से परिवारों को जोड़ने, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आदि संपादक के रूप में जो जाते हैं श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गोयनका परिवार से श्रद्धेय भाई जी का जो संबंध है वह बहुत जगजाहिर है और इस दृश्य मेरे लिए आज का दिन अत्यंत भावनात्मक भी है, लोकतंत्र को बचाने के दृश्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इसको एक महज संजोग नहीं मानता हूं। ये कोई ना कोई ईश्वरीय प्रेरणा थी कि 25 जून की तिथि को ही इस मार्ग का नामकरण स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर होना है। यह इतने वर्षों के बाद, आप अनुमान करिए कि 48 वर्षों के बाद इस प्रकार की स्थिति इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज हम सबको देखने को मिली है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज यहां पर इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं कि मीडिया की लोकतंत्र के चतुर्थ पहिए के रूप में जो उसकी भूमिका है, चतुर्थ स्तंभ के रूप में जो उसकी भूमिका है, उस भूमिका के साथ हम सबको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर यहां के प्रशासन को, अथॉरिटी को, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता आनंदी जी, इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अनंत गोयनका जी, एडिटर इन चीफ श्री राजकमल झा जी, एडिटर श्री उन्नीराज राजन शंकर जी, जयप्रकाश नारायण, एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री पी वैद्यनाथन नायर जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर जनसत्ता श्री मुकेश भारद्वाज जी, सुश्री वंदिता मिश्रा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे श्रीवनी सवस्थी जी, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी कही जाने वाले
भारत की दृष्टि से 48 वर्ष पूर्व जिस लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास हुआ था, उस समय अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सब कुछ दांव पे लगा करके न केवल मीडिया की स्वतंत्रता के लिए बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस महापुरुष ने मीडिया जगत से सर्वाधिक योगदान दिया था, वह नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का। और आज मेरे लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली नोएडा में स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर इस मार्ग का शुभारंभ करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को और उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका यह मीडिया जगत का एक चमकता हुआ ध्रुव तारा है। जब भी मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात होगी तो स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का नाम सदैव बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाएगा। मीडिया में उनकी पहुंच 1936 से होती है, जब इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना सरदेव बापू की प्रेरणा से उन्होंने प्रारंभ की। लेकिन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, बिहार के सुदूर गांव में जन्म लेकर के और देश की आजादी की उस लड़ाई में प्रखर रूप से एक मुखर योद्धा के रूप में कार्य करना, और कार्य करने के साथ साथ फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना करके मीडिया के माध्यम से आम जन के स्वर को एक नई ऊंचाई देने का कार्य उस कालखंड में उन्होंने किया। इसके साथ ही न केवल उन्होंने मीडिया के माध्यम से मीडिया की स्वतंत्रता के लिए बल्कि भारत के लोकतंत्र की दिशा से चुनाव लड़कर के भी देश के संसद में जाकर के इस आवाज को और मुखरता प्रदान की। मेरे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे थे, उन षड्यंत्रों को रोकने के लिए जो आवाज मुखर हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका थी। और उत्तर प्रदेश की इस भूमिका की दृष्टि से 25 जून 1975 का दिन लोकतांत्रिक भारत के लिए कालाध्याय के रूप में जाना जाता है। लेकिन उस दौरान भारत ने उन लोगों के संघर्षों को, उनके त्याग को देखा है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके लोकतंत्र को बचाने के लिए और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाकर के लड़ने का एक जज्बा उस दौरान देखने को मिला था। मेरे लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के द्वारा किए गए योगदान तो हम सबके लिए प्रेरणादायी है ही, लेकिन आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गोयनका परिवार लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान किया, मीडिया को एक स्वच्छ और स्वच्छतापूर्ण मीडिया की
भूमिका किस रूप में होनी चाहिए, वह मानक उन्होंने अपने स्थापना काल से पूरी मजबूती के साथ गढ़ने के कार्य किए। साथ साथ जिस राष्ट्रवादी मिशन के साथ हम सब जुड़े हैं, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का भी उस मिशन के साथ जुड़ाव रहा, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही। और साथ साथ ये भी कि अभी आपने देखा होगा कि गोरखपुर में गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। गीता प्रेस स्वर्गीय जयदयाल गोयनका जी ने 1923 में अपने कुछ सहयोगियों के साथ गोरखपुर में स्थापित की थी और गीता के प्रकाशन को मासिक पत्रिका कल्याण के माध्यम से, विभिन्न धार्मिक साहित्यों के माध्यम से, भारत की जो विरासत से जुड़ी हुई वैदिक साहित्य है, गीता है, रामायण है और अन्य साहित्य को बेहतरीन संपादकीय कार्यक्रमों के माध्यम से और कल्याण के माध्यम से परिवारों को जोड़ने, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आर्य संपादक के रूप में तो जाते हैं सदैव भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। गोयनका परिवार से सदैव भाई जी का जो संबंध है वह बहुत जग जाहिर है और इस दिन से मेरे लिए आज का दिन अत्यंत भावनात्मक भी है, लोकतंत्र को बचाने के दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इसको एक महज संजोग नहीं मानता हूं। ये कोई ना कोई ईश्वरीय प्रेरणा थी कि 25 जून की तिथि को ही इस मार्ग का नामकरण स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर होना है। यह कितने वर्षों के बाद, आप अनुमान करिए कि 48 वर्षों के बाद इस प्रकार की स्थिति इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज हम सबको देखने को मिली है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज यहां पर इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं कि मीडिया की लोकतंत्र के चतुर्थ पहिए के रूप में जो उसकी भूमिका है, चतुर्थ स्तंभ के रूप में जो उसकी भूमिका है, उस भूमिका के साथ हम सबको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर यहाँ के प्रशासन को, अथॉरिटी को, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता आनंदी जी, इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अनंत गोयनका जी, एडिटर इन चीफ श्री राजकमल झा जी, एडिटर श्री उन्नीराज राजन शंकर जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री पी वैद्यनाथन नायर जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर जनसत्ता श्री मुकेश भारद्वाज जी, सुश्री वंदिता मिश्रा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे श्यवनी सवस्थी जी, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत की दृष्टि से 48 वर्ष पूर्व जिस लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास हुआ था, उस समय अपनी
पूरी जिम्मेदारी के साथ सब कुछ दांव पे लगा करके न केवल मीडिया की स्वतंत्रता के लिए बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस महापुरुष ने मीडिया जगत से सर्वाधिक योगदान दिया था वो नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का। और आज मेरे लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली नोएडा में स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर इस मार्ग का शुभारंभ करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को और उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका यह मीडिया जगत का एक चमकता हुआ ध्रुव तारा है। जब भी मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात होगी तो स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का नाम सदैव बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाएगा। मीडिया में उनकी पहुंच 1936 से होती है, जब इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना सर्वे बाबूजी की बापू की प्रेरणा से उन्होंने प्रारंभ की। लेकिन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, बिहार के एक सुदूर गांव में जन्म लेकर के और देश की आजादी की उस लड़ाई में प्रखर रूप से एक मुखर योद्धा के रूप में कार्य करना और कार्य करने के साथ साथ फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना करके मीडिया के माध्यम से आम जन के स्वर को एक नई ऊंचाई देने का कार्य उस कालखंड में उन्होंने किया। इसके साथ ही न केवल उन्होंने मीडिया के माध्यम से मीडिया की स्वतंत्रता के लिए बल्कि भारत के लोकतंत्र की दिशा से चुनाव लड़कर के भी देश के संसद में जाकर के इस आवाज को और मुखरता प्रदान की। मेरे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के खिलाफ जो खड्यंत्र हो रहे थे उन खड्यंत्रों को रोकने के लिए जो आवाज मुखर हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका थी। और उत्तर प्रदेश की इस भूमिका की दृष्टि से 25 जून 1975 का दिन लोकतांत्रिक भारत के लिए कालाध्याय के रूप में जाना जाता है। लेकिन उस दौरान भारत ने उन लोगों के संघर्षों को, उनके त्याग को देखा है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके लोकतंत्र को बचाने के लिए और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाकर के लड़ने का एक जज्बा उस दौरान देखने को मिला था। मेरे लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के द्वारा किए गए योगदान तो हम सबके लिए प्रेरणादायी है ही, लेकिन आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गोयनका परिवार लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान किया, मीडिया को एक स्वच्छ और स्वच्छतापूर्ण मीडिया की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए वह मानक उन्होंने अपनी स्थापना काल से पूरी मजबूती के साथ गढ़ने के कार्य किए। साथ साथ जिस राष्ट्रवादी मिशन के साथ हम सब जुड़े हैं, स्वर्गीय रामनाथ
गोयनका जी का भी उस मिशन के साथ जुड़ाव रहा। यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, और साथ साथ ये भी कि अभी आपने देखा होगा कि गोरखपुर में गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। गीता प्रेस स्वर्गीय जयदयाल गोयनका जी ने 1923 में अपने कुछ सहयोगियों के साथ गोरखपुर में स्थापित की थी, और गीता के प्रकाशन को मासिक पत्रिका कल्याण के माध्यम से, विभिन्न धार्मिक साहित्यों के माध्यम से, भारत की जो विरासत से जुड़ी हुई वैदिक साहित्य है, गीता है, रामायण है और अन्य साहित्य को बेहतरीन संपादकीय कार्यक्रमों के माध्यम से और कल्याण के माध्यम से परिवारों को जोड़ने, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आदि संपादक के रूप में जो जाते हैं सरदेव भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गोयनका परिवार से सरदेव भाई जी का जो संबंध है वह बहुत जगजाहिर है, और इस दृश्य मेरे लिए आज का दिन अत्यंत भावनात्मक भी है, लोकतंत्र को बचाने के दृश्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मैं इसको एक महज संजोग नहीं मानता हूं, ये कोई ना कोई ईश्वरीय प्रेरणा थी कि 25 जून की तिथि को ही इस मार्ग का नामकरण स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर होना है। यह इतने वर्षों के बाद, आप अनुमान करिए कि 48 वर्षों के बाद इस प्रकार की स्थिति इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज हम सबको देखने को मिली है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को, उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज यहां पर इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं कि मीडिया की लोकतंत्र के चतुर्थ पहिए के रूप में जो उसकी भूमिका है, चतुर्थ स्तंभ के रूप में जो उसकी भूमिका है, उस भूमिका के साथ हम सबको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर यहां के प्रशासन को, अथॉरिटी को, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता आनंदी जी, इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अनंत गोयनका जी, एडिटर इन चीफ श्री राजकमल झा जी, एडिटर श्री उन्नीराज राजन शंकर जी, जयप्रकाश नारायण, एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री पी वैद्यनाथन नायर जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर जनसत्ता श्री मुकेश भारद्वाज जी, सुश्री वंदिता मिश्रा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे श्रीवनी सवस्थी जी, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी कही जाने वाले भारत की दृष्टि से 48 वर्ष पूर्व जिस लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास हुआ था, उस समय अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सब कुछ दांव पे लगा करके न केवल मीडिया की स्वतंत्रता के लिए बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस महापुरुष ने
मीडिया जगत से सर्वाधिक योगदान दिया था वो नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का। और आज मेरे लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली नोएडा में स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर इस मार्ग का शुभारंभ करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को और उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका यह मीडिया जगत का एक चमकता हुआ ध्रुव तारा है। जब भी मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात होगी तो स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का नाम सदैव बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाएगा। मीडिया में उनकी पहुंच 1936 से होती है जब इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना सरदेव बापू की प्रेरणा से उन्होंने प्रारंभ की। लेकिन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, बिहार के सुदूर गांव में जन्म लेकर के और देश की आजादी की उस लड़ाई में प्रखर रूप से एक मुखर योद्धा के रूप में कार्य करना और कार्य करने के साथ साथ फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना करके मीडिया के माध्यम से आम जन के स्वर को एक नई ऊंचाई देने का कार्य उस कालखंड में उन्होंने किया। इसके साथ ही न केवल उन्होंने मीडिया के माध्यम से मीडिया की स्वतंत्रता के लिए बल्कि भारत के लोकतंत्र की दिशा से चुनाव लड़कर के भी देश के संसद में जाकर के इस आवाज को और मुखरता प्रदान की। मेरे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे थे उन षड्यंत्रों को रोकने के लिए जो आवाज मुखर हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका थी। और उत्तर प्रदेश की इस भूमिका की दृष्टि से 25 जून 1975 का दिन लोकतांत्रिक भारत के लिए कालाध्याय के रूप में जाना जाता है। लेकिन उस दौरान भारत ने उन लोगों के संघर्षों को, उनके त्याग को देखा है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके लोकतंत्र को बचाने के लिए और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाकर के लड़ने का एक जज्बा उस दौरान देखने को मिला था। मेरे लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के द्वारा किए गए योगदान तो हम सबके लिए प्रेरणादायी है ही, लेकिन आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गोयनका परिवार लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान किया, मीडिया को एक स्वच्छ और स्वच्छतापूर्ण मीडिया की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए वह मानक उन्होंने अपने स्थापना काल से पूरी मजबूती के साथ गढ़ने के कार्य किए। साथ साथ जिस राष्ट्रवादी मिशन के साथ हम सब जुड़े हैं स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का भी उस मिशन के साथ जुड़ाव रहा, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही। और साथ साथ ये भी कि अभी आपने देखा होगा कि गोरखपुर में गांधी पीस प्राइज
गीता प्रेस गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। गीता प्रेस स्वर्गीय जयदयाल गोयनका जी ने 1923 में अपने कुछ सहयोगियों के साथ गोरखपुर में स्थापित की थी और गीता के प्रकाशन को मासिक पत्रिका कल्याण के माध्यम से, विभिन्न धार्मिक साहित्यों के माध्यम से, भारत की जो विरासत से जुड़ी हुई वैदिक साहित्य है, गीता है, रामायण है और अन्य साहित्य को बेहतरीन संपादकीय कार्यक्रमों के माध्यम से और कल्याण के माध्यम से परिवारों को जोड़ने, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आदि संपादक के रूप में जो जाते हैं सरदेव भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। गोयनका परिवार से सरदेव भाई जी का जो संबंध है वह बहुत जगजाहिर है और इस दिश से मेरे लिए आज का दिन अत्यंत भावनात्मक भी है, लोकतंत्र को बचाने की दिश से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इसको एक महज संजोग नहीं मानता हूं। ये कोई ना कोई ईश्वरीय प्रेरणा थी कि 25 जून की तिथि को ही इस मार्ग का नामकरण स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर होना है। यह कितने वर्षों के बाद, आप अनुमान करिए कि 48 वर्षों के बाद इस प्रकार की स्थिति इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज हम सबको देखने को मिली है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज यहां पर इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं कि मीडिया की, लोकतंत्र के चतुर्थ पहिए के रूप में जो उसकी भूमिका है, चतुर्थ स्तंभ के रूप में जो उसकी भूमिका है, उस भूमिका के साथ हम सबको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर यहां के प्रशासन को, अथॉरिटी को, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता आनंदी जी, इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अनंत गोयनका जी, एडिटर इन चीफ श्री राजकमल झा जी, एडिटर श्री उन्नीराज राजन शंकर जी, जयप्रकाश नारायण, एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री पी वैद्यनाथन नायर जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर जनसत्ता श्री मुकेश भारद्वाज जी, सुश्री वंदिता मिश्रा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं श्रीवनी सवस्थी जी, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत की दृष्टि से 48 वर्ष पूर्व जिस लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास हुआ था, उस समय अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सब कुछ दांव पे लगा करके न केवल मीडिया की स्वतंत्रता के लिए बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस महापुरुष ने मीडिया जगत से सर्वाधिक योगदान दिया था वो नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का। और आज मेरे लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली नोएडा में
स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर इस मार्ग का शुभारंभ करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को और उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका यह मीडिया जगत का एक चमकता हुआ ध्रुव तारा है। जब भी मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात होगी तो स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का नाम सदैव बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाएगा। मीडिया में उनकी पहुंच 1936 से होती है, जब इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना सरदेव बापू की प्रेरणा से उन्होंने प्रारंभ की। लेकिन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, बिहार के सुदूर गांव में जन्म लेकर के और देश की आजादी की उस लड़ाई में प्रखर रूप से एक मुखर योद्धा के रूप में कार्य करना, और कार्य करने के साथ साथ फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना करके मीडिया के माध्यम से आम जन के स्वर को एक नई ऊंचाई देने का कार्य उस कालखंड में उन्होंने किया। इसके साथ ही न केवल उन्होंने मीडिया के माध्यम से मीडिया की स्वतंत्रता के लिए, बल्कि भारत के लोकतंत्र की दिशा से चुनाव लड़कर के भी देश के संसद में जाकर के इस आवाज को और मुखरता प्रदान की। मेरे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे थे, उन षड्यंत्रों को रोकने के लिए जो आवाज मुखर हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका थी। और उत्तर प्रदेश की इस भूमिका की दृष्टि से 25 जून 1975 का दिन लोकतांत्रिक भारत के लिए कालाध्याय के रूप में जाना जाता है। लेकिन उस दौरान भारत ने उन लोगों के संघर्षों को, उनके त्याग को देखा है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके लोकतंत्र को बचाने के लिए और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाकर के लड़ने का एक जज्बा उस दौरान देखने को मिला था। मेरे लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के द्वारा किए गए योगदान तो हम सबके लिए प्रेरणादायी है ही, लेकिन आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गोयनका परिवार लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान किया, मीडिया को एक स्वच्छ और स्वच्छतापूर्ण मीडिया की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए वह मानक उन्होंने अपनी स्थापना काल से पूरी मजबूती के साथ गढ़ने के कार्य किए। साथ साथ जिस राष्ट्रवादी मिशन के साथ हम सब जुड़े हैं, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का भी उस मिशन के साथ जुड़ाव रहा, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही। और साथ साथ ये भी कि अभी आपने देखा होगा कि गोरखपुर में गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। गीता प्रेस स्वर्गीय जयदयाल गोयनका जी ने 1923 में अपने कुछ सहयोगियों के साथ गोरखपुर में स्थापित की थी और गीता के प्रकाशन को
मासिक पत्रिका कल्याण के माध्यम से, विभिन्न धार्मिक साहित्यों के माध्यम से, भारत की जो विरासत से जुड़ी हुई वैदिक साहित्य है, गीता है, रामायण है और अन्य साहित्य को बेहतरीन संपादकीय कार्यक्रमों के माध्यम से और कल्याण के माध्यम से परिवारों को जोड़ने, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आदि संपादक के रूप में जो जाते हैं सरदेव भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गोयनका परिवार से सरदेव भाई जी का जो संबंध है वह बहुत जगजाहिर है और इस दिन से मेरे लिए आज का दिन अत्यंत भावनात्मक भी है, लोकतंत्र को बचाने के दिन से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इसको एक महज संजोग नहीं मानता हूं। ये कोई ना कोई ईश्वरीय प्रेरणा थी कि 25 जून की तिथि को ही इस मार्ग का नामकरण स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर होना है। यह इतने वर्षों के बाद, आप अनुमान करिए कि 48 वर्षों के बाद इस प्रकार की स्थिति इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज हम सबको देखने को मिली है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज यहां पर इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं कि मीडिया की, लोकतंत्र के चतुर्थ वही के रूप में जो उसकी भूमिका है, चतुर्थ स्तंभ के रूप में जो उसकी भूमिका है, उस भूमिका के साथ हम सबको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर यहां के प्रशासन को, अथॉरिटी को, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता आनंदी जी,